कोरोना महामारी के चलते राज्य समेत देश भर में लॉकडाउन किया गया है। देश में तीसरे चरण का लॉकडाउन 4 मई से 17 मई तक किया गया। शहर के कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या देख नियमों की सख्ती भी कर दी गई है। लेकिन मंगलवार की सुबह शहर के रास्तों पर जिस तरह वाहनों की यातायात दिखाई दी तो स्थिति थोड़ी संभ्रमावस्था वाली लगी। जहां शहर में एक और सभी नियमों की सख्ती की जा रही है जिसका पालन भी कहीं दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर मानो जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ हो ऐसी स्थिति थी। जहां एक और राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा लॉकडाउन के नियमों की सख्ती से पालन करने की बात कही जा रही है, तो दूसरी ओर उपराजधानी के रास्तों पर गाड़ियां ऐसे दौड़ने लगी मानो कोरोना महामारी और लॉकडाउन खत्म हो चुका हो। जहाँ हम देख पा रहे हो शहर में जिस तरह कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और कुछ हद तक जो है शहर में छूट दी गई है, कई कपड़े के दुकान जो है छोटी दुकानें खोली गई है एरिया में की, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से आज लोगों की भीड़ जो है रोड पे दिखाई दे रही है, आवाजाही जिस तरह से तो कहीं भी दिखाई नहीं देता है, कहीं लग ही नहीं रहा कि शहर में लॉकडाउन है या 144 धारा जो है शहर में लागू है। ऐसा इस जिस तरह से आवाजाही चल रही है, जिस तरह से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उसी के चलते ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उपराजधानी में लॉकडाउन की स्थिति है या कोरोना का कहर जो है जिससे लोग डरे हैं ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं, किसी भी तरह की एहतियात जो है बरती नहीं जा रही है। एक तरफ जो है राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है कि सख्ती से नियमों का पालन करना चाहिए, सख्ती की जाए नियमों के पालन करने के लिए, लेकिन जिस तरह से आज शहर का माहौल है, जिस तरह से आज शहर के रास्ते दिखाई दे रहे हैं उसे देखते हुए कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि शहर में लॉकडाउन की स्थिति जारी है। हम देख पा रहे हैं बड़ी मात्रा में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, गाड़ियां जो है बड़ी मात्रा में रोड पर दिखाई दे रही है। इन गाड़ियों को देखकर उपराजधानी में ऐसा लग रहा है मानो लॉकडाउन जो है खत्म हो चुका है। कैमरा पर्सन सुभाष भुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।